सर, हमें जितना जल्दी हो सके सायरा से मिलना होगा। हमें उसे यह बताना होगा कि कोर्ट में उसे क्या क्या कहना है। मैं उसे कॉल करता हूँ। गौतम को लगभग कितनी सजा होगी? 10 साल या उम्र भर, ये तो डिपेंड करता है कि केस कैसा है। क्या मैं केस वापस ले सकती हूँ? ऐसे केस हम वापस नहीं ले सकते। और ऐसे करने की वजह क्या है? कोर्ट के सवाल जवाब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैंने तुम्हारा स्ट्रगल देखा है। लेकिन तुम जो भी कर रही हो वो मामूली बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती। सायरा तुमसे जब चाहो वो मिल सकती है। हाँ, गौतम, सायरा का बयान केस को बनाए या बिगाड़ सकता है। मैं चाहती हूँ तुम उससे बात करो। वो मेरी बात नहीं सुनेगी। वो तुम्हारी दोस्त नहीं है? उसे सब सच बता दो। तुम दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे अगर तुम उसे कन्विंस नहीं कर सकते? वो बात नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? बात करते हुए मेरी तरफ देखो, बताओ क्या बात है। तुम्हें सब बताना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। याद रखो, मैं ही हूँ जो तुझे बचा सकती हूँ। तुम अभी भी नहीं बताना चाहते हो? बताओ मुझे। अनुषा, मैं जानता था वो मुझसे प्यार करती है। सायरा से तुमने ये सब डिस्कस किया? सायरा ने ही मुझे बताया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने किसी को चीट नहीं किया। और हमें? अनुषा के साथ मुझे अच्छा लगता था। मुझे नहीं लगता था कि वो सीरियस है। उस रात जो कुछ हुआ वो मैंने पहले से नहीं सोचा था, वो बस हो गया बस। प्लीज मेरा भरोसा करो। मुझे नहीं, कोर्ट को तुम पर भरोसा करना होगा। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं उससे शादी कर लूं? शर्म आ रही है। प्लीज मुझे बचा लो। मैं अनु से भी माफी मांग लूंगा। अनुषा, क्या अब कोई कुछ नहीं कर सकता? जो तुमने किया है वो माफी से सेटल नहीं हो सकता। सायरा को फोन करो और ये आंसू उससे दिखाओ। तुम्हारी किस्मत अब उसके हाथ में है। मैं चाहता था कि वो मुझसे प्यार करती। अगर तुम जीत जाती हो तो मैं प्रोसिक्यूटर की पोस्ट से रिजाइन करके अपने ऑफिस में वापस आ जाऊंगा, देखना। तुमने अनुषा की इमोशनल स्टेट तो देखी होगी, है ना? और तुम उन दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो, है ना? सायरा की गवाही केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का हमें खास करके ध्यान रखना होगा। क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम हॉस्टल वापस आई थी तब क्या हुआ था? जब मैं रूम पर वापस आई तो मैंने देखा अनुषा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके हाथों से ब्लेड छीना। मैंने उसे कई बार पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या हो गया। तुम तो गौतम को कॉलेज टाइम से जानती हो, है ना? फिर मैं तुमसे उसके पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में पूछूंगा, ठीक है? योर ऑनर, प्लीज इस केस के अलावा कोई और सवाल अलाउड नहीं होने चाहिए। ये जरूरी है योर ऑनर, इससे आरोपी के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा बताओ, ये गौतम की अनुषा से पहले भी और गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है क्या? हाँ थी।
लेकिन किसी के भी साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हुआ था, है ना? नहीं, वो उनमें से नहीं है ना जो सीरियस रिलेशनशिप रखते हैं, सही है ना? हम ऐसा दिखाएंगे कि गौतम को कमिटमेंट इश्यूज है, और इसी के साथ हम इस केस का सबसे जरूरी सवाल करेंगे। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि अनुषा गौतम से इतना प्यार करती थी कि शादी भी कर लेती? हाँ। और क्या गौतम ने भी ऐसा दिखाया कि वो अनुषा से प्यार करता है और वो भी शादी करेगा? मुझे नहीं पता। मैं फिर से सवाल पूछूं क्या? नहीं, मैंने सुन लिया, मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्या गौतम को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अनुषा उससे शादी करना चाहती है? मुझे नहीं पता। क्या गौतम ने तुम्हें कभी ये बात बताई ही नहीं थी? नहीं, मैंने नहीं बताई। Your Honor, the witness has already answered the questions. Yes, yes. क्या कोई और सवाल है? सायरा, तुम अपनी बात बदल रही हो। Prosecution, do not cross your line. That's all, Your Honor. सायरा, तुम्हारी इस केस के विक्टिम से क्या रिलेशन है? हम हॉस्टल रूममेट्स हैं। हाँ, क्या अनुषा का नेचर जिद्दी है? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। योर ऑनर, डिफेंडेंट के कैरेक्टर की तरह ही विक्टिम के कैरेक्टर को भी जानना जरूरी है। बताओ मुझे, वो कभी कभी जिद्दी हो जाती है? क्या उसके हॉस्टल की वार्डन के साथ कोई इश्यूज है? वो क्या था? वो अक्सर अपने काम से लेट ही आती थी। जब ये बार बार होने लगा तो फिर वार्डन ने उसे जाने के लिए कह दिया। क्या उसने टाइम पर आना शुरू करा? नहीं, वार्डन ने उसे कुछ नहीं कहा? इस हॉस्टल के पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, और फिर अनुषा ने कहा कि वो उसकी कंप्लेन कर देगी, तो वार्डन ने उसे बोलना छोड़ दिया। इसका मतलब अगर अनुषा को रोका जाता है तो वो कुछ भी कर सकती है। योर ऑनर, यू प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। जब अनुषा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तुम कहां पर थी? मैं दूसरे कमरे में थी। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ भी हो सकता था अगर तुम वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचती तो? हाँ। ओ, उसकी किस्मत अच्छी थी। तुम कमरे के अंदर कैसे आई? क्या तुम दरवाजा तोड़कर अंदर आई? दरवाजा लॉक नहीं था। और वो बिना दरवाजा बंद किए आत्महत्या की कोशिश कर रही थी? ठीक है, जब तुमने अनुषा को देखा तो क्या अनुषा खून में लथपथ थी? नहीं, वो बेड पर हाथ में ब्लेड लेकर बैठी हुई थी। क्या उसके हाथ पर कोई घाव था? नहीं। तो ये आत्महत्या की कोशिश तो नहीं थी, लेकिन तुम सही वक्त पर पहुंच गई, है ना? योर ऑनर, मैं आपको दो रीजंस बता सकती हूँ कि यहाँ पर विक्टिम ने नकली आत्महत्या की कोशिश क्यों करी। उसे लगा होगा कि सायरा उसे ब्लेड के साथ देखेगी और गौतम से बात करने पर वो उसको मना लेगी, या फिर वो चाहती थी कि सायरा उसको ब्लेड के साथ देखे ताकि गौतम के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सके और उस पर किसी का शक ना जाए। Objection, Your Honor. जैसा कि विटनेस ने बताया कि विक्टिम काफी जिद्दी है, तो यहाँ पर अपनी बात को प्रूव करने के लिए विक्टिम ये भी कर सकती है। That's all, Your Honor. प्रोसिक्यूशन के पास कोई और विटनेस है? No. Prosecution witnesses are over. Defense counsel, कोई और एविडेंस? No, Your Honor. Then 313 can be posted on October 23rd. इस केस के आर्ग्यूमेंट्स हम उसी दिन ही सुनेंगे। थैंक यू योर ऑनर। मधु, ये सब तभी हो पाया जब गौतम ने सायरा से बात करी। भगवान की दया से उसने अपने स्टेटमेंट बदल दी है। अंकल, आज का दिन हमारे फेवर में था, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। क्या आंटी घर में अकेली नहीं होंगी? ठीक है फिर। एबिन कैसा होगा? इस केस को मैंने उस दिन ही खत्म कर दिया होता मुल्लुर जी, लेकिन विटनेस ने अपना बयान बदल दिया आखिरी वक्त, पता नहीं ये कैसे हुआ। डिफेंस वैसा नहीं है जैसा सोचा था। उस जैसे लड़के को बचाने के लिए भी ये सब। हमारी सोच का हमारे काम पर
असर नहीं होना चाहिए। आखिर हम प्रोफेशनल्स हैं। तुमने क्या मुझे उसको साइड ठहराने को बोला है क्या? अरे ना ही मैं साइड ले रहा हूँ ना ही मैं बिचौलिया हूँ, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूँ, ये केस जल्दी खत्म हो जाएगा, इसे अपनी जिंदगी खराब मत करने दो। आखिर एक बात बताओ, कितने दिन तुम अलग रहोगे? एक्यूज्ड आगे आ सकता है। मेरे सवालों के जवाब टू द पॉइंट देना। क्या तुम विटनेस एग्जामिनेशन को समझते हो? क्या तुम इस केस की विक्टिम के साथ प्यार में थे? नहीं। क्या तुमने उससे कोई शादी का वादा किया था? नहीं सर। 29 मई 2019 को क्या तुमने विक्टिम के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? हाँ। क्या तुमने उसे शराब पीने के लिए फोर्स किया था? नहीं सर। क्या तुम्हें यह पता था कि विक्टिम तुमसे प्यार करती है? अगर तुम्हें लगा कि सवाल हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं या मुझे नहीं पता बोलना, भले ही ये सच का उल्टा हो। नहीं पता सर। तुम कुछ कहना चाहते हो? सर अनुषा मेरी दोस्त थी, मैंने जानकर उसे चीट नहीं किया, विश्वास कीजिए। आर यू रेडी फॉर द हियरिंग? यस योर ऑनर। योर ऑनर, जब मैं अपने क्लाइंट से पहली बार मिला था, तब उन लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था। उसे पता था मैं उससे प्यार करती हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इन सभी सवालों में आरोपी ने उससे वादा किया था या नहीं, और वो दोनों प्यार में थे या नहीं, या वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, और वो सवाल जो क्लाइंट ने पूछा था, वो सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं। ये जवाब कोर्ट से नहीं आना चाहिए, आरोपी के अंदर से आना चाहिए। कानून तब आता है जब आत्मा सुन्न होती है, और कानून के हिसाब से वो आरोपी है। आईपीसी 415 और 375 के अंतर्गत आरोपी गुनेगार है। योर ऑनर, इस केस में कोर्ट को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज इसका जो फैसला होगा वो इस समाज पर एक बड़ा असर डालने वाला है। कानून के सख्त होने के बाद भी हर लड़की के साथ धोखा किया जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा जितना हम सोच सकते हैं। यही मेरा रीजन है कि उन सब लोगों ने चुप रहने का डिसीजन लिया है। यह फैसला भी उन रीजंस में नहीं जुड़ना चाहिए। तो फिर इन द नेम ऑफ अनुषा एंड मेनी मोर अनुषास, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड फॉर द ऑफेंसेस चार्ज, और उसे उतने वक्त के लिए गिरफ्त में रखा जाए जितना की जरूरी है। योर ऑनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में आदमी और औरत को समान दर्जा दिया गया है, कानून के तहत समान सुरक्षा भी। लेकिन क्या हमारा समाज इन वैल्यूज से जुड़ा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, सेक्स इज नॉट अ प्रॉमिस, जब कोई औरत कहे समाज खुश होता है, लेकिन अगर उसे एक आदमी कहे? ये सवाल इस केस में उतना ही जरूरी है। जब मेरे क्लाइंट को यहाँ पर दोषी ठहराया गया, जबकि उसने वो कुछ भी नहीं किया जिसके लिए कानून एक औरत को आजादी देता है, तो फिर यहाँ पर ये भेदभाव क्यों? जब दो लोग एक साथ एक इंटेंट से कुछ करते हैं तो फिर दोष एक ही को क्यों जाता है? योर ऑनर, मैं फेमिनिस्ट हूँ। इसका अर्थ ये है कि चाहे एक आदमी हो, औरत हो, या कोई भी किसी भी जेंडर का हो, सबको सेम ट्रीट करना चाहिए। मेरी जैसी कई औरतें हर रोज बराबरी के लिए समाज से लड़ती हैं, लेकिन एक भी आदमी को न्याय या अधिकारों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई औरत उनकी सुरक्षा के लिए बनाए कानून का गलत इस्तेमाल करती है तो, और अगर इसकी सजा एक बेकसूर को मिलती है, तो फिर यही समाज हमें छोड़ देगा। तो ये हर औरत का कर्तव्य है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना करो,
योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को सजा दिलाने के लिए प्रोसिक्यूशन कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं अदालत से अनुरोध करती हूं कि इसे समझें और मेरे निर्दोष क्लाइंट पर दया करें। द केस इज टेकन फॉर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स विल बी प्रोनाउंस्ड ऑन November 4th। AC 192/16। क्या हुआ मधु? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठो। मधु, तुम्हारी और रेबिन के बीच ये जो हो रहा है, शुरू से ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बस कोर्ट तक ही है, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करने का सोचा अपने लिए। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मधु, मुझे नहीं पता कि गौतम बेकसूर है या नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं उसकी बहन हूँ, मुझे उसे बचाना ही होगा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेल्फिश हो जाएगा, और इसीलिए, और अगर इससे तुम पर अफेक्ट होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे भाई के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो तुम, बेवकूफी होगी वो। केस खत्म हो गया है, प्लीज एबिन के साथ सब ठीक कर लो। उसे ऑफिस से फिर से ज्वाइन करने के लिए फोन आ रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। छुपाने के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्या हम किसी तरह पहले से फैसला जान सकते हैं? जो कुछ भी हमसे बन पड़ा हमने सब किया। ये सब जज के डिस्क्रिशन पर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं अनुषा से अकेले में बात करना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं? तुम फैसले को लेकर नर्वस क्यों हो? हम दोनों के बीच एक सिमिलैरिटी है। इस केस को जीतने के लिए हमें उसे हराना होगा जिससे हम प्यार करते हैं। अब जो है सो है, चाहे जो भी हो मुझे जीतना ही होगा। अब ये जिंदगी की बात है। माधवी के लिए भी ऐसा ही है, मैं जानता हूं। लेकिन इस केस में मुझे झटका तब लगा जब सायरा ने अपना बयान बदला। मैंने देखा कि जब सायरा खड़ी थी तब माधवी टेंशन में थी, लेकिन जब सायरा ने बयान बदला माधवी भी हैरान हो गई। हम वकील ना जवाब की नहीं सोचते, लेकिन सवाल के बारे में वो सोचते हैं जो हमें जवाब देने वाले हैं। तो यहां सही सवाल क्या है? क्या सायरा ने अपना बयान बदला, या फिर सायरा ने अपना बयान किस वजह से बदला है? ये सोचने वाली बात है। मैं यहां तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम मेरी क्लाइंट हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे जानना है कि क्या तुमको छुपा रही हो? तुमने मुझे केस वापस लेने को बोला था ना, वो क्यों बोला था? तुमने पूछा गौतम को कितनी सजा मिलेगी, वो क्यों पूछा था? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। जब उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगा, मैं उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे पापा ने मुझे उस पर चीटिंग के केस के लिए फोर्स किया, तो मैंने दोबारा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि उसे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन अगर मैं ही उसे, मैं उसे समझा सकी तो, अगर हम ही बैठ के बात करके, शायद, मुझे नहीं पता, अगर हम ये केस जीत गए तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तुम उसे हारा हुआ देखकर कैसे खुश रह पाओगे? हाँ, मैं भी वैसा ही महसूस कर रही हूँ।
इसीलिए मैंने सायरा को बयान बदलने के लिए कहा। I'm sorry. I'm really sorry. मधु मधु अभी हटो, मेरी तरफ देखो। हटो अभी, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? ए, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। AC 1398/19 Accused is present, Your Honor. This case was very well conducted by the prosecution and very well contested by the counsel for the accused. Court दोनों की ही सराहना करना चाहती है. Moving on to the judgment of this case. हियरिंग के मुताबिक चार्ज किए गए ऑफेंसेस में एक आईपीसी धारा 415 के अंतर्गत था। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने जानबूझ के विक्टिम को मैनिपुलेट किया है या गुमराह किया है। लेकिन अदालत इस बात को खारिज नहीं कर सकती कि आरोपी ने विक्टिम के साथ नशे में होते हुए शारीरिक संबंध बनाए। विक्टिम होश में नहीं थी और उसके कंसेंट को मैनिपुलेट किया गया है, इसलिए विक्टिम के सारे बयान और सारे एविडेंसेस के बेस पर कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने आईपीसी 375 के तहत अपराध किया है। आरोपी को सजा सुनाई जाती है 10 साल के कठोर जेल और 50,000 की पेनल्टी की। Thank you.
मधु, क्या तुम ठीक हो? काम हमें इस पोजीशन में नहीं लाएगी, है ना? कुछ भी सही और गलत नहीं है, सारी समझदारी बेकार है। हर कोई हमारे लिए एक क्लाइंट है। क्या सच में सही या गलत, ये सब एक परसेप्शन है? इसे जज करने वाले हम होते कौन है? वैसे कुछ भी काला या सफेद नहीं है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, बस उतना ही। इसकी आदत हो जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। गौतम को सजा मिली इसीलिए दुखी हो, या तुम केस हार गए इसीलिए? बताओ तो। दोनों। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें जितना लगा डिफेंस उतना वीक था? अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आगे प्लान क्या है? और क्या, हाई कोर्ट। चलो किसी और की जिंदगी मुश्किल करते हैं। मैं लड़ाई किए बिना नहीं मानूंगी।